मिरर्स केप्ट एट एन एंगल, यही है ना। एंगल टू इच अदर है ना, इंक्लाइंड है। जब है ना, और ये एंगल क्या है, थीटा। क्या है ये एंगल, प्रोग्रामिंग क्या है ना, कंप्यूटर में क्या है प्रोग्रामिंग। सबसे पहले क्या करो, थ्री सिक्सटी बाई थीटा करो, 360 बाय थीटा। इफ देन एल्स हुआ है, इफ देन एल्स। हाँ ये डायमंड होता है ना, हाँ, तो फ्लो चार्ट से ही आएगा ना। ये हो गया यस, ये हो गया नो, ठीक है ना। ये ऑड है, यस या नो, क्लियर है क्या। अरे पहले इफ कैसे होता है प्रोग्राम, ठीक है। ऑड ऑड है या फिर इवेन है। अगर ये ऑड है, ठीक है, पहले इवेन में आ जाओ। इवेन में सिंपल हो जाएगा क्या, एन माइनस वन, क्लियर है क्या। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत, क्लियर है क्या। लेकिन अगर ऑड है तो फिर से चेक कीजिए, क्या चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और नॉट। अगर यस है तो, और नो है तो, अगर यस है तो एन माइनस वन, नो है तो एन। अगर सच में यस और नो, क्लियर है क्या। स्टार्ट स्टॉप ये सब लिख लीजिएगा अपने यहाँ, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, यही है, ठीक है। तो अगर और अगर इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन। लेकिन अगर ऑड है तो फिर चेक कीजिए कि ऑब्जेक्ट भैया सिमेट्रिकल है कि नहीं है, और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर एन माइनस वन, नहीं है तो फिर रिजल्ट में ऐसा होना, क्लियर है क्या। फ्लो चार्ट रिजल्ट में आ गया, खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और यहां पे दिख रहा है हम लोगों को कैसे इनफाइनाइट हो रहा है, पहले इसका यहां पे बन गया, क्लियर है क्या, यस और नो, यस और नो। अब ये जो है इसका, इसके कारण ये आई वन का कहीं और बनेगा, क्लियर है क्या। अरे यस और नो, ठीक है ना। ये पी का पहले आई वन बना और आई डैश बना, क्लियर है क्या। ये आई डैश के कारण आई डबल डैश, यस और नो, है ना। अभी जो आई डैश के कारण आई डबल डैश बना, अगर ध्यान से देखिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये पहले मिरर से आई डैश का डिस्टेंस और आई डबल डैश का डिस्टेंस सेम होगा, समझ में इज और नो आ रहा है, ठीक है। अब ये आई वन का हम लोग देख रहे हैं, आई वन का अब यहां से और आई टू का यहां से, दोनों का डिस्टेंस सेम है। फिर आई टू का आई थ्री बनेगा, आई टू का यहां से और आई थ्री का यहां से सेम रहेगा। ये सेम चीज हम लोग को कहां पे दिखता है,
इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर टू इच अदर तो क्या हो जाता है एन चार, क्लियर है क्या ऐसा ना? थ्री इमेजेस आर फॉर्म्ड और वो तीनों इमेज कहाँ रहता है दिख रहा है, सरकमफेरेंस पे रहेगा, यहाँ से सरकमफेरेंस पे रहेगा, कोई दिक्कत टेंशन। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स बहुत सारा यूज होता है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, एक गोल था ठीक है ना, हॉलो स्फीयर था ठीक है, उसको क्या किया भैया, एक तरफ हम लोग सिल्वर कर दिए ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में पॉलिश, तो ये दिख रहा है ध्यान से, यस और नो, ये वाला पहला वाला दिख रहा है, यस और नो, अंदर साइड सिल्वर्ड है बाहर साइड पॉलिश्ड है, तो बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, जो बाहर साइड जो ये रिफ्लेक्टिंग हुआ तो अगर ध्यान से देखिए ये हो गया मिरर है ना, इधर से रेज आएगा, यस और नो, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, क्लियर है क्या, इस साइड में कनकेव मिरर, कैसे याद रखेंगे, कनकेव में कनकेव, क्लियर है क्या, ठीक है, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सिल्वर सरफेस ध्यान में समझ लीजिए, और कन्वेक्स में भी, क्लियर है क्या, यस और नो। अब अलग अलग टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पूरा जो गोल चीज है स्फीयर है उसका जो सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है क्या, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, क्योंकि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या है, उसको काट के बनाया गया है, होल क्या है भी? पोल, तो पोल क्या है, ये पूरा गोल था ठीक है, तो हम काटे छोटा सा पार्ट है ठीक है ना, इसका बीच वाला जो पॉइंट है वो तो बोलेंगे हम लोग पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड दी पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो वही होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, क्यों नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो गोलू दिख रहा है इसका सेंटर तो दिखा ना बीच में है, ये जो गोल दिख रहा है सर नो, अब अगर इसको हम लोग हल्का सा इधर से काट दें, क्लियर है क्या, तो अब ये कटे वाले पार्ट का जो सेंटर होगा वो हो गया पोल, हो गया समझ में, यस और नो, क्लियर है क्या, तो जो कटा हुआ पार्ट रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हो सकता है छोटा भी हो, वो हो सकता है बड़ा भी, क्लियर है क्या, लेंस के टर्म्स में है ना, कैमरा के टर्म्स में हम लोग उसको बोलते हैं अपर्चर, बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट रेज एंटर एंड फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इट्स, आगे समझ में, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दीजिए वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, किन लोगों को लगता है काम करेगा, किन लोगों को लगता है नहीं काम करेगा, जिनको लगता है नहीं काम करेगा हाथ उठाए, जिनको लगता है काम करेगा हाथ उठाए, लोग क्या कर रहे हैं भाई, नाकाम लोग हैं आगे, इसमें हद डर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा ठीक है, लॉज ऑफ जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा ही करेगा, क्लियर है क्या, हो सकता है थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा टेढ़ा सरफेस हो
सा अलग वे में रिफ्लेक्शन हो, बट पॉइंट क्या है, काम करेगा। फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है, तो डिपेंड करता है, कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रहा है पैरेलल, वो एक पॉइंट पे मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और वो फोकस कितना होता है, आर डिवाइडेड बाई टू, यस और नो, यस और नो, यस और नो, गलत, आर बाई टू नहीं होता है वो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है आर बाई टू, यस और नो, यस और नो, नहीं होता है। फोकल लेंथ आर बाई टू केवल पैराक्सियल रेज के लिए होता है जब अपर्चर थोड़ा सा छोटा हो, है ना, पैराक्सियल रेज होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहे हैं और ज़्यादा एंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, अपर्चर छोटा है। पॉइंट है कि जब हमको फोकस का डेफिनेशन आएगा, ठीक है, आर बाय टू कभी मत लिखना, समझ में आया, फोकस का डेफिनेशन क्या है, ये है फोकस का, वो फोकस आर बाय टू जो है वो तभी होगा, एक पर्टिकुलर केस के लिए होता है, अजम्पशन होता है उसमें होता है, क्लियर है क्या, अरे समझ में आया, नो कोई दिक्कत, आप लोग ये पढ़े यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं, सेवेंथ में आप पढ़े थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़े थे, अभी अभी देखो हाफ ए टी स्क्वायर लग के आ गया, है ना, तो फिर जब एलेवेंथ में जाएगा तो बोलेगा कि ये भी गलत है, समझ में, क्लियर है क्या, ये सब एक पर्टिकुलर केस के लिए, क्लियर है क्या, वो सब एक पर्टिकुलर केस के लिए। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कब है, जब एक्सेलरेशन जीरो है। एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब है, जब एक्सेलरेशन कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जब एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा तब फिर ये भी काम नहीं करेगा, आ रहा समझ में, यस और नो। तो वैसे ही फोकल लेंथ इज आर बाय टू पर्टिकुलर केस के लिए, कौन से केस के लिए अभी आपको जानने का जरूरत नहीं, ठीक है, हो सकता है दिया भी हो, लेकिन है ना, फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, कनकेव के लिए अलग होगा, कन्वेक्स के लिए अलग होगा। कनकेव के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी से डाले, एक पॉइंट पे मीट किया सारा रेज, दैट इज फोकस, क्लियर है क्या। अच्छा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकस से पोल तक का जो लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ, अगे समझ में, विच इज जनरली आर बाई टू, क्लियर। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इन्फिनिटी से दागे, सब रेज आया पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर के मीट कहीं नहीं किया है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, रिफ्लेक्ट करके मीट कहीं नहीं किया है, अपीयर्स टू कम, नॉट अपीयर्स टू मीट, इधर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है, आ रहा है, सॉरी नो, क्लियर है क्या, अपीयर्स टू कम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कहां से, फोकस, यस और नो, अरे यस और नो। फोकल प्लेन क्या है, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो हो गया फोकल प्लेन, क्लियर है। कन्वीनियंट रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम, तो बहुत ही है ना, चार पर्टिकुलर केसेस होते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वही रे वापस लौट जाएगा, क्लियर है क्या, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू जीरो डिग्री, क्लियर है। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, पैरेलल तो टकरा करके फोकस से जाएगा, क्लियर है क्या, कनकेव में, कन्वेक्स में क्या होगा, डाइवर्ज करेगा और अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है, क्लियर है क्या। रे पासिंग थ्रू द फोकस, पैरेलल था तो फोकस पे आया था, फोकस पे है तो पैरेलल जाएगा, क्लियर है क्या। और रे इंसिडेंट एट द पोल, इंसिडेंट द पोल है तो पोल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हो जाएगा नॉर्मल, पोल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा नॉर्मल, तो थीटा थीटा सेम आएगा, क्लियर है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल पे भागेगा, देखिए ध्यान से दिख रहा है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल फॉर रे इंसिडेंट एट द पोल, यस और नो,
ये आई और आर सेम है, इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत? ये चार रेज चार रेज हैं जो कि हम लोग को लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कोई भी दो रेज से हम लोग बना सकते हैं, समझ में? अब जो है कनकेव मिरर के लिए कैसे क्या होता है ये अब आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा। जल्दी से क्विक एक रिविजन कर दें। चलिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे आएगा, यस और नो? यस और नो, जल्दी से इंतजार, यस और नो, जोर से yes, उस समय चिल्ला रहे थे, यस और नो, जोर से yes, ठीक है, कबड्डी, यस और नो, सुअर सर वहां आ जाए एकदम, ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है, पैरेलल गया तो फोकस से पास करेगा, यस और नो, ठीक है ना, क्लियर है? तो कनकेव में क्या होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश टू अ पॉइंट, क्लियर है क्या? जो भी रियल इमेज रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, यस और नो, याद है? ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश टू अ पॉइंट, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? देन ऑब्जेक्ट इज एट अ फार डिस्टेंस, फिर से बहुत डिमिनिश रहेगा, फोकस पे रहेगा, क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ध्यान से इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे हुआ, यस और नो? अब ऑब्जेक्ट को लेकर आते रहिए इधर फोकस के पास और इमेज जो है फोकस से दूर जाता रहेगा, अरे ध्यान में, ऑब्जेक्ट को लाइए फोकस के पास, इमेज जो है फोकस से दूर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाए तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, क्लियर है क्या? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सेम साइज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, बिटवीन फोकस एंड पोल लाइए, ये इधर भागा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, एंड दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, एट फोकस पे लाइए, इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, क्लियर है क्या? और फोकस से थोड़ा सा उधर लेकर चल जाइए, फोकस और पोल के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, अरे समझ में, यस और नो? ये पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए, है ना, भले रे डायग्राम गलत हो जाए लेकिन ये सही होना चाहिए, क्लियर है क्या? और अगर ये आपका रटा हुआ है ना तो आपका रे डायग्राम भी सही हो जाएगा, अरे समझ में, यस और नो? यस और नो? कुछ नहीं समझ में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्म होगा, क्लियर है क्या? कुछ एनर्जी ही नहीं है भाई, अगर एकदम की है ना, एकदम जो है ना सीधा यही आ रहे हैं श्मशान घाट से, पहला तुम यहीं पे सीधा है, ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, नहीं तो फिर रहने देते हैं, फिर हम लोग कर आगे बाद में करेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट है फॉर्मूले फॉर द स्फेरिकल मिरर, 1/u = 1+1/b = 1/f, क्लियर है क्या? जहां से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ से इंसिडेंट लाइट आएगा ना, यस और नो? ठीक है, इंसिडेंट लाइट दिख रहा है, किधर जा रहा है, एक्स के तरफ, यस और नो? तो अब पोल से इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पोल से इधर नेगेटिव होगा, क्लियर है क्या? ठीक है, और ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नीचे हमेशा नेगेटिव, ठीक है, तो हो गया फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर, 1/f = 1/u + 1/v, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, क्लियर है क्या? ठीक है, u जो है नेगेटिव होगा हमेशा, आप लोग के लिए तो हमेशा u नेगेटिव ही होने वाला है, कैसे? क्योंकि देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट इधर है, इधर से इंसिडेंट लाइट है, क्लियर है क्या? तो ये इधर ना पिएगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u नेगेटिव होगा, अरे समझ में, यस और नो?
क्लियर है क्या? ठीक है, एफ एफ जो है कनकेव के लिए नेगेटिव है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, दिख रहा है? इसके लिए इधर होगा एफ, एफ नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए उधर पॉजिटिव, यस और नो? हो गया खत्म, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।